गुड इवनिंग ऑल। इन माई 8 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस आई हैव सीन केसेस जहाँ माएँ अपनी छोटी बच्चियों को लेके आती है, बोले मैडम इसे चेक करें, देखिए इसे मासिक नहीं आता है, बराबर नहीं आता है या चढ़ चढ़ के आता है, क्या रीज़न हो सकता है। अक्सर हमने देखा है कभी कभी खून की कमी की वजह से भी कम मासिक में कमी हो सकती है, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता। सेकेंड रीज़न ऑफ स्कैंडी पीरियड्स कैन बी PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आइए देखते हैं ये वीडियो में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ अ हार्मोनल डिजीज़ विच अफेक्ट्स वुमेन इन चाइल्ड बेरिंग एज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, 26% ऑफ वुमेन आर अफेक्टेड। इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें ऐसे होता है, इट अफेक्ट्स द हार्मोनल, इट क्रिएट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दैट मेंटेन्स ओव्यूलेशन। एंड हर वुमेन में मेल हार्मोन्स होते हैं प्रेजेंट इन अ माइन्यूट क्वान्टिटी, बट इन सम देर विल बी एन एक्सेस इन मेल हार्मोन्स ड्यू टू एनी रीजन विच विल डिस्कस फर्दर। उसकी वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से मेंसेस स्कैंटी होते हैं। तो व्हाट इज़ PCOS? PCOS इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इन विच वी सी अन इंक्रीज नंबर ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन, सेकेंड इंक्रीज नंबर ऑफ मेल हार्मोन्स दैट आर एंड्रोजन्स, तो उसमें हाइपर एंड्रोजेनेसिस होता है, एंड वी सी इरेगुलर पीरियड्स। दिस इज़ अ कम्बाइंड कंडीशन। इसमें क्या होता है, PCOS में अक्सर छोटे छोटे, जैसे नॉर्मली अपने को पता है कि बीज फूटते हैं और फिर ओव्यूलेशन होता है हर, बट PCOS में क्या होता है, बीज फूटते ही नहीं हैं, बीज द ओवम, व्हाट वी से द ओवम, इट फेल्स टू रप्चर बिकॉज दे आर इमेच्योर, देर इज़ लेस अमाउंट ऑफ ओव्यूलेशन, देर इज़ ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, दे फेल टू मैच्योर एंड देन दे फेल टू रप्चर, एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मेल हार्मोन्स इट ट्रिगर्स एन ओव्यूलेशन टू, दिस सो देर विल बी स्कैंटी पीरियड्स। द कॉजेज में भी जीन्स, जेनेटिक हो सकता है, अगर इफ़ योर मदर इज सफरिंग और योर एल्डर सिस्टर इज सफरिंग देन यू कैन ऑल्सो सफर। द सेकेंड मेन रीज़न कैन बी इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियाज, इट मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, बट इफ इंसुलिन, इफ द सेल्स डोंट गेट इनाफ ऑफ इंसुलिन, इफ द इंसुलिन, दे के नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, सो क्या होता है, इंसुलिन इंक्रीजेज एंड देन दिस इंसुलिन, इंक्रीज इन इंसुलिन विल इंक्रीज द मेल हार्मोन्स एंड इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट द ओवरीज टू। ओबेसिटी मे बी द रीजन टू इंक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, तो इट इज़ अ विशियस सर्कल, जैसे आप मोटापा इंसुलिन रेजिस्ट करेगा और फिर उसमें ओवरीज इफेक्ट करके वापस आप वो ओबेसिटी होगा, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल जो फैट्स होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है एंड देन इट विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी, तो इट विल लीड टू ओबेसिटी, तो इट इज़ अ वेरी विशियस सर्कल। वॉट आर द कॉमन सिम्टम्स, द कॉमन सिम्टम्स आर इरेगुलर पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग। अब आप सोचोगे इरेगुलर पीरियड्स भी और हैवी ब्लीडिंग क्यों, इरेगुलर पीरियड्स क्योंकि वो ओवम ही रप्चर नहीं हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, तो स्कैंडी पीरियड जाएगा, बट देन ओव्यूलेशन इज नॉट ओनली द रप्चर ऑफ ओवम, इट इज़ द श्रेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू, तो उसमें क्या होता है, अक्सर यूट्राइन लाइनिंग एक्यूमुलेट हो के मंथ्स में फिर इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि फिर पीपल दे दिस कंडीशन कॉल्ड मेनोरेजिया, देन देर विल बी एक्सेसिव बॉडी हेयर ड्यू टू इंक्रीज इन मेल हार्मोन्स, देन देर विल द अदर सिम्टम इज मेल बॉल्डनेस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, देन डार्कनिंग ऑफ स्किन, ऐसे वेलवेट जैसी स्किन हो जाएगी, डार्कनिंग ऑफ द स्किन अक्सर देखा गया है ब्रेस्ट में, ग्रॉइन में, मतलब फोल्ड्स में क्रीसेस बन जाते हैं, देर विल बी डार्कनिंग ऑफ स्किन, देन देर विल बी वेट गेन एज यूजल एज आई हैव एक्सप्लेन, फिर हेड एक्स होते हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, वेन एवर यू सी दीज सिम्टम्स या यू कैन जस्ट डायग्नोज इट
self-diagnose also that you are suffering from PCOS and you have to see a doctor. So what are the effects of PCOS? PCOS effects are infertility. Now, infertility क्यों होती है? क्योंकि जो ovum rupture मतलब होता ही नहीं है तो fertility में problem करेगा ही ना. तो the infertility is the main issue of PCOS. If you are suffering from fertility issues, go get yourself checked and then you can be cured too. Second is metabolic syndrome. Both obesity and PCOS, they increases the risk of heart diseases. Then all hormonal diseases, as in sleep apnea होगा, metabolic syndrome, as it is वो hormones की वजह से आपका diabetes effect होगा, आपके diabetes पे effect होगा, आपको diabetes हो सकता है. फिर आप depression के भी शिकार हो सकते हो. depression क्यों? PCOS common, I have commonly seen in my patients, young girls being depressed because they are being bullied in school. क्यों? क्योंकि facial hair है, आप मोटे हो तो आपको मतलब पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टीजिंग होती है, एंड देन द अल्टीमेटली द रिजल्ट इज द फीमेल विल सफ़र, गो इन डिप्रेशन. सो दीज आर कॉमन इफेक्ट्स ऑफ PCOS. इट इज़ अ डिजीज़, यू हैव टू क्योर इट. इट इज़ अ सिंड्रोम, यू हैव टू क्योर इट. नाउ वी विल सी वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PCOD एंड PCOS. आई हैव बीन आस्क्ड बाय मेनी वॉट इज़ द डिफरेंस, क्या होता है PCOD एंड PCOS. PCOD is polycystic ovarian disease and PCOS is polycystic ovarian syndrome. Syndrome is group of symptoms. PCOD mein, it is a ovarian disease. It is a condition ovaries contain immature or partially mature eggs that they fail to rupture. Mature eggs, they fail to rupture and hence there will be scanty period. But you will still ovulate. Scanty period hoga, but you will still ovulate. The reason may be overweight, junk food or hormonal disturbances. The symptoms are same like PCOS. There will be irregular menstrual irregularities, then obesity, then infertility, male pattern hair loss. And what is PCOS? अब हम लोग ने अभी देखा वो syndrome है. It is a disorder. It is more severe. PCOS is more severe than PCOD. Why? Because ovaries, they produce high quantity of male hormones in this. So they fail to, matlab, they fail, then they, there is a formation of follicular cyst. And then they stop, then there is a stoppage of release of egg. This period is called anovulation. Matlab, masik aega hi nahi. So there will be great fertility issues too. So PCOD is least serious, but PCOS is, you have to take proper care too. Deal with it. PCOS has serious complications. See, I have seen in my cases that if females are suffering from PCOS, then they will get pregnant. But then the chances of premature labor deliveries, the chances of gestational diabetes increases because it is there is a hormonal imbalance in the female. There is chances of endometrial cancer too. PCOD is not significant. And there is less fertility issues. So how you'll diagnose this? Diagnosis is easy. There is high level of androgen level. Then there will be irregular menstrual disorders. And the third thing is there will be cyst in ovaries. Your doctor will diagnose it via the symptoms you present to him, like obesity, skin, acne, pimples, and then darkening of skin. So by these your doctor will come to know you are suffering from PCOS. What are the three main tests? First will be symptomatic. Your doctor will just take your case and will diagnose it. Second is a pelvic test. They will check your ovaries, they are functioning properly. With your menstrual history, they will come to know. And then there is blood test for all the hormonal test will also help in better diagnosis, as well as ultrasound. Ultrasound mein, it is a sure shot test for PCOD where they will see ovaries, as in the premature ovary, and then the thorough follicular study will
help them diagnose PCOS. So I hope there is a clear picture of PCOS and PCOD. The reason for me dealing with this is many people are confused कि मैडम हमको PCOD है या PCOS. So I hope this criteria is well dealt with. Yes. So now comes the treatment. What is the short treatment? First of all, there is no short treatment of PCOS. As I told you, it is a hormonal disease. Hormonal disease. So you cannot completely cure it, but then you can take measures to restrict it. Like there is lifestyle modification. Stress level kam lene ka stress. You remain calm, remain active, leave your sedentary life. Physical activity will help you maintain a balanced hormonal levels. So it will help you deal with that. Second is dietary effects. Diet has a lot of effect on your hormones. So you just watch out your diet. Don't avoid junk food. Avoid carbohydrate rich food. Take a protein rich diet. Take high fiber protein diet. So it will help you. Weight loss will help you in restricting this syndrome. 5-10% of your weight, if you lose, then you will really feel better. Then you can lower your insulin. It will reduce weight loss, also lowers your insulin. It will reduce your heart disease risk. It will improve your cholesterol level. So in this, weight loss is very crucial. Exercise. By exercise, I am not telling you to go to gym bhago ye karo wo karo na. At least at home also you can walk, you can jog, you can just climb stairs for 30-40 minutes. Terrace pe chalo. I'm not telling you go every walk and all, but then you can do these simple stuffs to remain physically active. Yes, so I hope this clears your doubt with PCOS and PCOD. Now we'll come to some questionnaires. We'll take some questions. Anita G has asked, will PCOS delay pregnancy? Yes, PCOS will surely delay your pregnancy. As mentioned earlier, PCOS will affects the ovaries. For fertility, for pregnancy, a ovum should be released and then it meets the sperm and then zygote is formed and was a pregnancy related to yeh hai. But then if the ovum is only not released, then fertility issues to honge hi na. So it will surely delay your pregnancy. Second question, Kalpana, do I need to take birth control pills? See, birth control pills are in my clinical practice, I've seen it regulates the estrogen and progesterone level. So it will to a level maintain the hormonal balance. So yes, your doctor will prescribe. Don't self-prescribe yourself. Your doctor will help you. She will guide you in a proper way. So under her guidance, take birth control pills. If you are not planning to get pregnant, consult her. The third question is, Madhvi, if I am insulin resistant, how will that affect my treatment? As mentioned earlier, insulin is the hormone which is present in the pancreas that it helps in the maintenance of blood sugar level and the body fat too. So agar insulin hi nahi proper cells properly utilize karenge, so there will be accumulation of body fat as well as there will be increase in sugar levels. So it will disrupt, this will indirectly disrupt the ovulation cycle. So if I am insulin, how will the, it will affect the treatment, because insulin again will trigger the male hormone, or fir wo male hormones will again trigger the ovulation period, and then there will be a disruption in your menstrual phase. So yes, it will affect. Should I lose weight? Yes, as mentioned earlier, weight loss is a very important criteria in PCOS, because weight loss it will improve your cholesterol level, it will help you decrease the risk of heart disease, as well as it will lower insulin levels. Weight loss will help you maintain obesity. As I told, it will trigger insulin resistant. Obesity will help you to decrease your insulin levels, as in matlab your insulin will properly form, and then it will help you improve your ovulation. So yes, weight loss is very important.
नॉर्मल नॉट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टू लूज वेट 20-30 के जी लूज करना नो 5-10 के जी विल ऑल्सो सफाइस बट यू कैन ग्रेजुअली डू इट हाउ कैन आई लोअर द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मीता आस्क्ड एज मेंशनड अर्लियर स्टे एक्टिव स्टे हाइड्रेटेड स्टे फिजिकली एक्टिव सेडेंटरी लाइफ मत ये करो यू जस्ट बी एक्टिव प्रॉपर डाइट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस विल हेल्प यू इन PCOS So you can by this you can really help you can seriously lower the risk of complications Meeta then secondly you can ask your doctor about it she will be able to consult you better in a better way she will give you many medications to maintain your hormones level she will guide you with counseling with proper diet proper intake and all So yes, Meeta, it will lower your risk complex. How will PCOS affect my fertility? Shamim, as mentioned earlier, everyone is worried about fertility issues. Hone bhi chahiye. Shamim ji, PCOS will affect your fertility because jo OBs bolte hai, jo food ke fir ovulation hota hai, conception hota hai. तो शमीम जी PCOS ही ओवरीज में इफ़ेक्ट करता है जो मैच्योर होने ही नहीं देता ओवम को तो इट विल ऑब्वियसली इफेक्ट योर फर्टिलिटी तो इट विल PCOS इज़ अ हार्मोनल इट विल डिस्टर्ब योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इट विल डिस्टर्ब द हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल एंड इट विल डिस्टर्ब द ओवरीज इट विल डिस्टर्ब द एंटायर फर्टिलिटी इशू सो येस इट विल इफेक्ट योर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑफ PCOS समृद्धि समृद्धि जी ने पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ PCOS देर इज़ नो श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट ऑफ PCOS ऐसे नहीं है कि इट विल गेट क्योर्ड 100% यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट जैसे पहले ही मेंशन किया है यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट बाय योर लाइफस्टाइल चेंजेस वेट मैनेजमेंट योर डाइटरी प्रॉपर डाइट इनटेक स्टे हाइड्रेटेड फिर एक्सरसाइज दीज ऑल विल हेल्प यू टू रिस्ट्रिक्ट द सिम्टम्स ऑफ PCOS It will help in balancing your hormones and it will help you in regulating the menstrual cycle, a proper menstrual cycle. So yes, these are treatment of the, then other than this your doctor will prescribe medicines too, maybe anything as in accordingly to just help you decrease the symptoms of PCOS and you will feel better. Managing symptoms of PCOS, Viveka asked. Managing PCOS symptoms of PCOS जैसे your acne आपका doctor आपको pimple वगैरह की तकलीफ है acne की तकलीफ है तो he will treat as in baldness मतलब इसमें क्या menstrual irregularities होती है तो आपको birth control pills देके it will help you in maintaining the hormonal level so it will help you in that too So you can, your doctor will manage your symptoms of PCOS. Weight loss, जैसे आगे भी बोला है weight loss, then darkening of skin, your doctor will give you medications, headaches आते हैं इसमें, because and depression, irregular periods, weight, all these will be maintained by your doctor. Give a proper history. And like on your side, you can just do a lifestyle modification, a diet, a proper diet, and stay healthy, stay hydrated. The next question is, how do I get rid of PCOS, Amisha? Amisha, you cannot get rid of PCOS. मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जान छुड़ानी है ये वैसा नहीं हो सकता PCOS में. You have to maintain a proper, you avoid junk food, आप इतना तो कर ही सकते हो आप junk food avoid करो stay hydrated, then maintain a proper schedule, walking करो 30 minutes ये वो and then you can maintain your body first, you can stay stress free, yoga practice करो आप you cannot get rid of PCOS but you can decrease the symptoms of PCOS by yourself by having a proper schedule time a proper as in lifestyle changes will help you in maintaining getting rid of PCOS the last question is Lavanya what should I not eat with PCOS a very good question Lavanya what should I not eat carbohydrates stay away from carbohydrate rich food starch It will increase your sugar levels.
any refined sugars, you do not eat refined sugars, then eat a high rich protein diet, then take high lot of fibers, take small meal at a time, eat more fibers, smaller meals, then no junk food, especially to young girls, no junk food, it will harm you, so don't eat that. Stay hydrated, take proper sleep, 8 to 9 hours sleep, stay hydrated, and proper high rich protein diet. Proteins mein you can include legumes, you can include as in eggs, milk, you can add, you cut short to dietary products. Milk is no issue, but any other dietary, say ice cream wagera, any junk food like pizza and all, avoid that. Avoid whole, you can eat whole wheat bread, but like brown bread and all, don't eat white bread. So like this small steps, you can seriously control your PCOS from your side. So here we come to an end of this questionnaire session. I hope many myths have been cleared. अगर कुछ भी डाउट हो तो आई एम रेडिली अवेलेबल ऑन बेबी चक्र. यू कैन फॉलो मी ऑन बेबी चक्र फॉर माई एक्सपर्टीज. टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे.